पर लगे गंभीर आरोप, ग्रामीण को मुर्गा बनाने के लगे आरोप। सीतापुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद, गल्ला मंडी में व्यापारी से की 9.5 लाख रुपए की लूट। सड़क हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौत, हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में चोरों ने एक साथ 2 घरों को बनाया निशाना, चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाकर किया लाखों का सामान चोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बरेली से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एसडीएम मीरगंज पर ग्रामीण को मुर्गा बनाने का आरोप। जमीन पर कब्जे की शिकायत करने गए थे ग्रामीण, ग्रामीण की शिकायत पर एसडीएम को आया गुस्सा, ग्रामीणों ने एसडीएम पर लगाए अभद्रता के आरोप। जमीन पर मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा करने का आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बरेली से एसडीएम मीरगंज पर ग्रामीण को मुर्गा बनाने का आरोप, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बरेली से बता रहे हैं। ग्रामीण की शिकायत पर एसडीएम को आया गुस्सा, ग्रामीणों ने एसडीएम पर लगाए अभद्रता के आरोप। जमीन पर मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा करने का आरोप, एसडीएम मीरगंज के प्रति ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। बजे मैं जब कोर्ट करके अपने चेंबर में लौटा था, तभी 5-6 लोग आए थे मन्नतपुर गांव से, जिसमें से एक आदमी जो था वो घुसते ही मेरे सामने आके मुर्गा बन गया। और मैंने उससे बोला कि आप मतलब मुर्गा क्यों बने हो, और मैंने बाकी लोग जो आए थे गांव से उनको बोला कि इसको वहां से उठाइए। इतने में ही शायद कोई आदमी जो था जो पीछे था जो वीडियो बना रहा था, और जब तक मेरे को ये पता चलता वो वीडियो बना के वहां से निकल गया था। उसके बाद मैंने उनकी शिकायतें सुनी और उनके निस्तारण। इस वक्त हम आपको बरेली से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसडीएम मीरगंज पर ग्रामीण को मुर्गा बनाने का आरोप लगा है। जमीन पर कब्जे की शिकायत करने गए थे ग्रामीण, बताया जा रहा है कि ग्रामीण की शिकायत पर एसडीएम को गुस्सा आ गया और ग्रामीणों ने एसडीएम पर लगाया अभद्रता के आरोप। जमीन पर मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा करने का आरोप लगा है, एसडीएम मीरगंज के प्रति ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बरेली से एसडीएम मीरगंज पर ग्रामीण को मुर्गा बनाने का आरोप। जमीन पर कब्जे की शिकायत करने गए थे ग्रामीण, ग्रामीण की शिकायत पर एसडीएम को आया गुस्सा, ग्रामीणों ने एसडीएम पर लगाया अभद्रता के आरोप। जमीन पर मुस्लिम समुदाय द्वारा कब्जा करने का आरोप, एसडीएम मीरगंज के प्रति ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश। मंडनपुर गांव में हुआ शमशान भूमि की जमीन पर कब्जा। बरेली मीरगंज तहसील में एसडीएम ऑफिस का मामला हम आपको बता रहे हैं। बरेली से बड़ी खबर, एसडीएम मीरगंज पर ग्रामीण को मुर्गा बनाने का आरोप। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अरुण जायसवाल जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको पूरे मामले की अगर जानकारी देता हूँ तो उसमें यह है कि बरेली की एक तहसील जो कि बरेली में पड़ती है, और वहाँ के जो लोग हैं वो शिकायत लेकर पहुँचते हैं उपजिलाधिकारी के पास। वहाँ उपजिलाधिकारी के पास पहुँचने के बाद वो अपनी शिकायत को दर्ज कराते हैं, और शिकायत में कहते हैं कि एक सरकारी जमीन जो है उस पर दूसरे समुदाय के लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वहाँ जो फरियादी पहुँचते हैं उनका ये कहना है कि मुझको जबरदस्ती बिठाल कर और मुझको मुर्गा बना दिया जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पर खुद अगर एसडीएम साहब ने भी एक अपना बयान जारी किया है, उसमें वो कहते हैं कि ये कार्रवाई मेरी तरफ से नहीं की गई है, और यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही मेरे केबिन में घुस आए थे और अपने आप ही मुर्गा बन गए थे, और जिसका वीडियो उन्होंने बना के वायरल कर दिया। वहीं जिला अधिकारी हम सेवाकांत द्विवेदी जी की अगर बात करें तो उन्होंने तुरंत वीडियो का संज्ञान लिया और उप जिला अधिकारी को ऑफिस में कार्यालय में अटैच कर दिया। फिलहाल उन्होंने कहा कि पूरा विषय जो है जांच का विषय है और इस पर जांच हो रही है। तो अभी तक जांच में क्या कुछ निकल के आया, क्योंकि एक तरफ ग्रामीण एसडीएम पर आरोप लगा रहे हैं तो वहीं एसडीएम ये कह रहे हैं कि उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ग्रामीण पहले से ही वहां पर मुर्गा बना बैठा हुआ था। देखिए, जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा था उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि
एसडीएम साहब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सामने फरियादी जो है वो मुर्गा बना हुआ है। और यहाँ अगर जिला अधिकारी की हम बात करें तो उनका कहना ये है कि हम इस पर जांच करा रहे हैं, और फिलहाल जांच की देखिए बात है, और वहाँ पे जो लोग हैं स्थानीय लोग जो हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने जाके बातचीत की थी, तो उनका ये कहना कि ये जो यहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय हैं ये अपना राज एक तरीके से चलाना चाहते हैं, फरियादियों की बात ढंग से नहीं सुनते हैं और फैसला भी तुरंत ही कर देते हैं और सजा भी खुद ही दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी खबर हम आपको बरेली से बता रहे थे, जहां एसडीएम मीरगंज पर ग्रामीण को मुर्गा बनाने का आरोप लगा है। जमीन पर कब्जे की शिकायत करने गए थे ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीण की शिकायत पर एसडीएम को गुस्सा आ गया, जिसके बाद एसडीएम ने ग्रामीण को मुर्गा बना दिया। लेकिन अगर हम वही एसडीएम की सुने तो एसडीएम का कहना है कि ग्रामीण उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगली बड़ी खबर बांदा से, जहां जिलाधिकारी ने गोवंश संरक्षण को लेकर चलाया अभियान, ग्राम प्रधान की लापरवाही से रोड पर दिख रहे जानवर। बांदा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिलाधिकारी ने गोवंश संरक्षण को लेकर चलाया अभियान, ग्राम प्रधान की लापरवाही से रोड पर दिख रहे जानवर। जानवरों की वजह से रोड पर आए दिन हो रहे हादसे, आखिर जिलाधिकारी की लापरवाही पर कब होगी कार्रवाई, बड़ा सवाल। बांदा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, जिलाधिकारी ने गोवंश संरक्षण को लेकर चलाया अभियान, ग्राम प्रधान की लापरवाही से रोड पर दिख रहे हैं जानवर। जानवरों की वजह से रोड पर आए दिन हो रहे हादसे, आखिर जिलाधिकारी की लापरवाही पर कब होगी कार्रवाई। की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, बांदा से जिलाधिकारी ने गोवंश संरक्षण को लेकर चलाया अभियान, ग्राम प्रधान की लापरवाही से रोड पर दिख रहे जानवर। जानवरों की वजह से रोड पर आए दिन हो रहे हादसे, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जिलाधिकारी की लापरवाही पर कब कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर कुशीनगर से, जहां घरेलू विवाद के चलते पति ने की पत्नी और बेटी की हत्या, डबल मर्डर से केस से मची सनसनी। अगली बड़ी खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित कार ने खड़े ट्रक में मारी थी टक्कर, जोरदार टक्कर से कार के पर खच्चे उड़ गए, 3 कार सवार और 1 ट्रक चालक की मौत हुई, कार में सवार 2 घायलों का चल रहा इलाज। ऐसा की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मथुरा में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित कार ने खड़े ट्रक में मारी थी टक्कर, जोरदार टक्कर से कार के पर खच्चे उड़ गए, 3 कार सवार और 1 ट्रक चालक की मौत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मथुरा से सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत, अनियंत्रित कार ने खड़े ट्रक में मारी थी टक्कर। थाना जैत में जैत गांव के सामने चौधरी ढाबा के पास एक कल रात एक्सीडेंट हुआ है 1 बजे के आसपास, जिसमें अलीगढ़ के लोग एक कार में सवार थे और उसमें कुल 5 लोग थे जो शनिदेव पे जा रहे थे परिक्रमा देने। एक अज्ञात वाहन से उनका टक्कर हुआ, जिसमें 3 व्यक्तियों की तो मौके पर मृत्यु हो गई, 2 घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। इस टक्कर में एक ट्रक ड्राइवर जो खाना खा के जा रहा था वो भी चपेट में आ गया और उसकी भी मौत हो गई है। कुल 4 व्यक्तियों की इस दुर्घटना में मौत हुई है और 2 घायल अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज हो रहा है। ये सब अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ट्रक ड्राइवर बिहार का रहने वाला। आपको मथुरा से बड़ी खबर बता रहे, जहां मथुरा में सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, अनियंत्रित कार ने खड़े ट्रक में मारी थी टक्कर, जोरदार टक्कर से कार के पर खच्चे उड़ गए, तो वहीं 3 कार सवार और 1 ट्रक चालक की मौत हुई, कार में सवार 2 घायलों का चल रहा इलाज। थाना जयंत क्षेत्र के नेशनल हाईवे की घटना।
अगली बड़ी खबर रायबरेली से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला चौकीदार का शव। नेशनल हाईवे के किनारे मिला चौकीदार का शव। काफी दिनों से बीमार चल रहा था चौकीदार। मौके पर पहुंची पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कस्बे के चौराहे का है पूरा मामला। रायबरेली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में चौकीदार का शव मिला। नेशनल हाईवे के किनारे मिला चौकीदार का शव। काफी दिनों से बीमार चल रहा था चौकीदार। चौकीदार मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में चौकीदार का नेशनल हाईवे के किनारे शव मिला है। बताया जा रहा है कि चौकीदार काफी दिनों से बीमार चल रहा था, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। अगली बड़ी खबर रायबरेली से, जहां रायबरेली में चोरों ने एक साथ दो घरों को बनाया निशाना। लगातार हो रही चोरी से क्षेत्र में मचा हड़कंप। चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर किया लाखों का सामान चोरी। रायबरेली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चोरों ने एक साथ दो घरों को बनाया निशाना। लगातार हो रही चोरी से क्षेत्र में मचा हड़कंप। चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर किया लाखों का सामान चोरी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के हिलालगंज गांव का मामला हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली से बड़ी खबर, रायबरेली में चोरों ने एक साथ दो घरों को बनाया निशाना। लगातार हो रही चोरी से क्षेत्र में मचा हड़कंप। चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर किया लाखों का सामान चोरी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस जुटी जांच पड़ताल में। सख्त मामला अर्जुनपुर थाना क्षेत्र के हिलालगंज गांव का मामला बता रहे हैं। रायबरेली में चोरों ने एक साथ दो घरों को बनाया निशाना। लगातार हो रही चोरी से क्षेत्र में मचा हड़कंप। अगली बड़ी खबर सीतापुर से, जहां सीतापुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। गल्ला मंडी में व्यापारी से 9.5 लाख रुपए की लूट। गल्ला मंडी व्यापारियों ने किया मंडी बंद करने का ऐलान। आक्रोशित व्यापारियों ने किया जोरदार धरना। सीतापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। सीसीटीवी की मदद से जांच की जा रही है। सीतापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गल्ला मंडी में व्यापारी से 9.5 लाख रुपए की लूट। गल्ला मंडी व्यापारियों ने किया मंडी बंद करने का ऐलान। आक्रोशित व्यापारियों ने किया जोरदार धरना। आज करीब एक घंटे पहले एक व्यापारी हैं गल्ला मंडी के, ये स्टेट बैंक मेन ब्रांच से, जो इन्होंने बताया है करीब 9.5 लाख रुपए लेकर के आए हैं। और बैंक से आने के बाद इनके जो अपने मंडी में इनका आढ़त है, उसके सामने में एक मोटरसाइकिल पे दो लोग आए और इनका बैग छीन करके भाग गए हैं। कुल मिलाकर के जो अभी तक प्रारंभिक सूचना मिली है कि मोटरसाइकिल पे दो लोग थे, 9.5 लाख की बात ये बता रहे हैं। और हमने टीमें लगा दी हैं और जो करीब 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है, उस रास्ते में आने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरे उनको देखवाया जा रहा है। रास्ते से जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हमें कलेक्ट होंगे, उसके लिए भी टीम लगा दी गई है। शीघ्र थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत आज ये मंडी समिति के पास में एक घटना प्रकाश में आई। एक व्यापारी जो यहाँ पर आढ़त का काम करते हैं, ये बैंक से अपने पैसे निकालकर बाइक के द्वारा अपनी दुकान पर पहुँचे। दुकान के बाहर उन्होंने अपनी बाइक खड़ी की। बाइक खड़ी करने के बाद जैसे वो उतर के अंदर की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त इनकी डिग्गी में रखा हुआ एक पैसे से भरा हुआ बैग एक युवक जो पैदल चलता हुआ इनकी गाड़ी तक आया और लेकर वहाँ से भागने लगा। इनके द्वारा उसका पीछा भी किया गया तो एक अन्य बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग गया। इसके द्वारा हेलमेट लगाए हुए था। पुलिस के द्वारा मौके का मुआयना कर लिया गया है। उचित धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है। गौरतलब है कि इस घटना में किसी भी शस्त्र अथवा किसी अन्य प्रकार की हथियार का प्रयोग नहीं हुआ। इस वक्त हम आपको सीतापुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। गल्ला मंडी में व्यापारी से 9.5 लाख रुपए की लूट।
गल्ला मंडी व्यापारियों ने किया मंडी बंद करने का ऐलान। आक्रोशित व्यापारियों ने किया जोरदार धरना प्रदर्शन। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी की मदद से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीतापुर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। गल्ला मंडी में व्यापारी से 9.5 लाख रुपए की लूट। खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय सिंह जुड़ चुके हैं। अजय, क्या है पूरा मामला, इसमें किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? देखिए कि ये कल की घटना है, करीब 10 बजे जब यहाँ सीतापुर जो गल्ला मंडी के व्यापारी हैं वो स्टेट बैंक जाते हैं, स्टेट बैंक से करीब 9.5 लाख रुपए लेकर के वो मोटरसाइकिल से जब वहाँ गल्ला मंडी पहुँचते हैं, डिग्गी से रुपए जब निकाल रहे होते हैं उसी समय एक पैदल व्यक्ति आता है, उनका झोला छीन करके वहाँ से भागता है और भागने के बाद वो एक बाइक सवार वहाँ से लगा होता है, उसकी बाइक पे बैठ करके वो भाग निकलता है। इसके बाद शोर मचाने पर जो है काफी व्यापारी वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। इसकी सूचना जो है निकट जो वहाँ पे चौकी है, कोतवाली है, वहाँ पे दी जाती है। इसके साथ जो है वहाँ पे अपर जो पुलिस अधीक्षक हैं वहाँ वो पहुँचते हैं, कोतवाली पहुँचते हैं, भारी संख्या पुलिस बल पहुँचता है, लेकिन उन चोरों का अभी तक जो है कोई सुराग नहीं लगता है। फिलहाल जो है मौके पे सारा जिले का फोर्स पहुंचता है और जो व्यापारी होते हैं उन्होंने जो है गल्ला मंडी बंद कर देते हैं और मौके पर खुलासे के लिए जो है वो पुलिस अधिकारियों से कहते हैं, लेकिन पुलिस जो है अभी तक इस मामले में खुलासा नहीं हो चुका है। जब ये खबर चलती है इसके बाद इस मामले को संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक जो चक्रेश मिश्रा है वो भी घटनास्थल पहुंचते हैं। देर रात जो है IG जो है तरुण गाबा वो भी पहुंचते हैं और इसके लिए जो है कई सदस्य, करीब 4 सदस्यों की टीम बनाई जाती है और अलग अलग क्षेत्रों में जो है चोरों जो लूट की घटना को अंजाम देते हैं उनकी दबिश के लिए डाली जाती है। फिलहाल CCTV फुटेज में जो है चोरों को देखा गया है और इसके लिए जो है फिलहाल अभियान चलाया गया है, अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं लगा है। तो अजय, पुलिस ने इस खबर को तो तब संज्ञान में लिया जब उनके सामने ये खबर सामने आई, जब उनको ये पता चला, लेकिन 9.5 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है और इस तरह से अगर सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं तो पुलिस इसमें क्या कदम उठा रही है? इससे तो सीतापुर पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए अभी जो पुलिस अधीक्षक थे उनका ट्रांसफर हो जाने के बाद भी चक्रेश मिश्रा ने हाल ही में जो है अपना यहाँ पे कार्यभार संभाला है। इसके लिए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन गल्ला मंडी इतनी व्यस्त इलाका रहता है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यापारी, उनके पास बड़ा पेमेंट रहता है, सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पे कोई पुलिस नहीं था, इसकी वजह से इतनी बड़ी ये लूट हुई है। इसमें जरूर कहीं ना कहीं से इन लोगों के जो व्यापारी हैं जो पैसा लेने बैंक गए थे स्टेट बैंक, उनकी रेकी की जा रही है और रेकी करने के बाद ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहाँ सीतापुर में चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे। गल्ला मंडी में व्यापारी से 9.5 लाख रुपए की लूट। गल्ला मंडी व्यापारियों ने किया मंडी बंद करने का ऐलान। अगली बड़ी खबर हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं। सभासद प्रतिनिधि की दबंगाई के चलते रास्ते में हो रहा जल खराब। SDM के आदेश पर भी सही नहीं किया गया रास्ता। खराब रास्ते को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन से की शिकायत। शिकायत के बाद भी नहीं निकला हल। जल भराव और गंदगी से बढ़ा मच्छरों का प्रकोप। आक्रोशित मोहल्ला वासियों ने किया रोड को जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू करा नाले की सफाई का काम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे सीतापुर से। सभासद प्रतिनिधि की दबंगई के चलते रास्ते में हो रहा जल भराव। SDM के आदेश पर भी सही नहीं किया गया रास्ता। खराब रास्ते को लेकर लोगों ने जिला प्रशासन से की शिकायत। आक्रोशित मोहल्ला वासियों ने किया रोड को जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू कराया नाले की सफाई का काम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं। सभासद प्रतिनिधि की दबंगई के चलते रास्ते में हो रहा जल भराव। रुक करते उत्तर प्रदेश की और तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अमरोहा के माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाने वाली छात्राओं ने स्कूल जाने से किया मना।
छात्राओं ने बताया कि एक मुस्लिम युवक अनस के डर के कारण स्कूल जाने से डर रही है छात्रा, इसलिए छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि छात्राएं जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घरों को जाती हैं तो रास्ते में युवक अनस अपने दोस्तों के साथ छात्राओं को रोक कर उनके साथ छेड़छाड़ करता है। कुछ दिन तो छात्राएं अनस की हरकतों को अनदेखा करती रही, लेकिन लगातार अनस की हरकतें बढ़ती चली गई। इससे परेशान छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन को इस मामले की शिकायत की। तब स्कूल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। वहीं इस मामले में पुलिस ने अनस सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तीनों आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। लड़के गलत व्यवहार करते हैं लड़कियों के साथ और आए दिन परेशान करते हैं। डर तो लगता ही है। स्कूल वाले भैया ने कहा सारे बच्चे जा रहे थे ना यहाँ से, तो हम थोड़ा पीछे थे तो हम भागे भी इस वजह से कि आगे कुछ दुर्घटना वगैरह का डर था ऐसा कुछ। तो जैसे मुँह से ना कपड़ा बांधे हुए खड़े थे लड़के कई सारे। उसने कहा कि मम्मी मेरे यहाँ पर कई सारे लड़के खड़े थे, मैं डर गई उन्हें देख कर बहुत ज़्यादा। और भी लड़की थी साथ में, बच्चे थे और भी। तो उन्होंने बाइक स्टार्ट करी खूब तेज से और इतनी तेज बाइक निकाली उसके पास को कि उसकी बाइक साइकिल भी एकदम से हिल सी गई। वो डर गई एकदम, घबरा गई बहुत तेज। ऐसा कई बार हुआ है कि पर लेकिन वो कहती है कि मम्मी हुआ तो कई बार है ऐसा उसके साथ है, पर वो कहती है मम्मी मैं चुपचाप निकल आती हूँ। मैंने ये भी कि आज दिन पीपली के लड़के हैं तीन, अनस, ऋतिक और विकास। ये आज दिन बच्चों के साथ बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं और दो तीन दफ़ा इन्होंने बच्चों को पीटा है, उनके रास्ते घेरते हैं। 13 तारीख में मैंने सूचना कोतवाली भी दी है, उसमें कोई अभी तक कोई इतना कठिन कार्रवाई नहीं हुई है जिससे कि उन्हें कोई सबक मिल सके। जो मारपीट क्यों करते हैं, छात्राओं के साथ करते हैं या ये छात्राओं को छेड़ते हैं? जब उनके स्कूली बच्चे उनका विरोध करते हैं तो उन पर फिर मारपीटते हैं। ये आज बिजनौर चांदपुर मार्ग पर एक ट्रैक्टर और पिकअप बोलेरो में जोरदार भिड़ंत देखी गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रैक्टर के दो टुकड़े हो गए। वहीं इस घटना में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि पिकअप बोलेरो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायलों को पुलिस की मदद से उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। खबर बिजनौर से है, जहाँ एक शराबी युवक पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर उसने बड़ा कदम उठा लिया। शराबी युवक पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर टावर पर चढ़ने का कदम उठा चुका है। मोबाइल टावर पर चढ़े शराबी ने चीख चीख कर गांव के लोगों को भी इकट्ठा किया। आपको बता दें कि पुलिस कार्रवाई से नाखुश युवक ने शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़कर दरोगा से माफी मांगने और 151 के मुकदमे को खत्म करने की मांग रखी। पुलिस और ग्रामीणों ने समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा। थाना हमीरपुर दीपा लके टावर का हम आपको मामला बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग स्थित रेलवे कॉलोनी में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां सालों पुरानी बनी रेलवे कॉलोनी में एक मकान की छत गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर विभाग टीमें मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर चुकी है। वहीं इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। छत गिरने की इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति शोक संतप्त संवेदना व्यक्त की है। देखिए, ये सुबह करीब 8 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी। ये थाना आलमबाग है, इसका आनंद नगर एरिया की रेलवे कॉलोनी है और इसमें एक मकान के छत के जो है केविन कर जाने की सूचना थी, जिसको अभी मौके पे देखा गया है। तो लोकल पुलिस और SDRF NDRF की टीम भी आ गई है। ऊपर का जो छत है वो बिल्कुल बैठ गया है, अंदर गिर गया है। अंदर जो परिवार के सदस्य थे उनको फिर घायल अवस्था में यहाँ से बताया गया कि लोकल पुलिस ने भिजवाया है हॉस्पिटल से। जो है स्टेटस अपडेट आपको जैसे ही मिलेगा जानकारी दे दी जाएगी। इसमें कुल 5 लोग हैं जो इस परिवार में रह रहे थे। ये जो कॉलोनी है रेलवे की है और जो मकान है इसको अभी रेलवे अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है कि अबैंडन था, कंडम डिक्लेयर किया गया था और नोटिस आदि भी दिया गया था, परंतु शायद पूर्व में कोई रेलवे कर्मचारी थे जो यहाँ रह रहे थे, उन्हीं का ये परिवार था जो इसमें आवासित था। उनकी अभी रेलवे में नौकरी लगने की आदि की कार्रवाई चल रही थी मृतक आश्रित कोटे में। रायबरेली में ग्राम पंचायतों में हो रहा भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऊंचाहार विकासखंड के गंगोली गांव से मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया है कि गांव के विकास के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए जाते हैं लेकिन कोई भी कार्य कराया नहीं जाता। शिकायत पर जिलाधिकारी ने 3 सदस्यीय जाँच टीम बनाकर मौके पर भेज दी है। जाँच टीम को आरोप सही मिले लेकिन ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टीम सही तरह से जाँच नहीं कर रही, जिसकी वजह से पूरा भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। इससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने जांच सही तरीके से न करने का भी आरोप लगाया है और जिलाधिकारी से मिलकर इस पर दोबारा उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। टीम आई है, यहाँ काम प्रधान 2 सालों से कुछ किया नहीं है
और किया नहीं, हमने इसीलिए जांच बैठाया था कि आके देखे यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मतलब जो यहाँ देखने आए हैं वो भी देख नहीं रहे ढंग से, और आ रहे आधे में देखते हैं आधे में उसके चार बात चले जाते हैं, और पूरा जांच नहीं कर रहे हैं, और जांच नहीं कर रहे हैं उसके बाद जो नहीं हुआ है बस ऐसे वैसे देख के चले जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, हमारी नहीं सुनेंगे, हम दोबारा फिर जांच बैठवाएंगे। जो अधिकारी आए हैं क्या सही तरीके से जांच नहीं किया? सुन, यहाँ पे सर पैसा जंगोली ग्राम प्रभाग में पैसा निकाल लिया गया है, कार्य कुछ किया नहीं गया, एप्लीकेशन दिया गया उसके बाद कार्य कर रहे हैं प्रधान जी। जी कौन कौन से काम करवाए गए हैं बाद में? जैसे खरिंजा है, इंटरलॉक और अपना नाली वाली है, इंटरलॉक मतलब और नाली है, इसी को फिर बाद में मरम्मत करा रहे हैं। फिर दूसरी बात सर, इसके जो पुराने ईंटे हैं नीचे खरिंजा निकाल के फिर उसके ऊपर खरिंजा लगा। ऊपर से यही लोग आए हैं, कायदे से जांच नहीं किया, उल्टा सीधा काम करवा के पैसा निकलवा लेते हैं। कौन निकलवा लेते हैं? प्रधान निकलवा लेते हैं। हमारे सबके दरवाजे गांधी भर पानी भरा, उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा, ना उसकी जांच करने गए ना देखने गए। अच्छा, हाँ, क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम बगता। अच्छा, तो कुल मिलाकर के मतलब जो काम हुआ है उसे कागज। रायबरेली में भीषण सड़क हादसे के दौरान एक ऑल्टो कार ट्रक में घुस गई और महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। वहीं इस भयानक हादसे में तीन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएससी लालगंज से रेफर होकर के दो मरीज आए घायल अवस्था में, एक का नाम ओम है जिनकी उम्र तकरीबन 4.5 वर्ष है, तथा एक का नाम लकी है जिनकी उम्र तकरीबन 8 वर्ष है। दोनों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है, ओम को रेफर कर दिया गया है, लकी भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। परिजनों द्वारा बताया गया कि तीन लोग घायल होकर जिनकी नाव माखी से अपने परिवार के साथ ये आ रहे थे, जिस कार में अल्टो कार में दो बच्चे और दो पुरुष और एक महिला थी, जो फतेहाबाद सूची सलोन अपने घर को जा रहे थे। थाना खीरो के सेमरी चौकी से आगे इसौली गांव है, वहीं पर खड़ी एक ट्रक में पीछे से जाके घुस गई थी, जिसमें घटनास्थल पर ही दो पुरुष एक महिला की मृत्यु हो गई थी। एक बच्चा, एक लड़की और एक लड़का घायल हो गए थे, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर मैं एसओ खीरो फोर्स के साथ पहुंच करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, लाइन आर्डर की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।